परिणाम भोग रहा है। साथियों, थोड़ा सा इतिहास में हम जाना चाहेंगे। 1989 में बीपी सिंह की भाजपा समर्थित सरकार थी। उस समय कश्मीर की स्थिति गड़बड़ हुई और वहां से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। यह भाजपा ही शासन थी उस समय और यह भाजपा ही एक बार भी आवाज नहीं उठाई। और आज उसी इतिहास को दोहराया जा रहा है जब मोदी पिछले 5 साल से कश्मीर में शांति स्थापित करने में नाकाम हो गए। वहां आतंकवाद बढ़ता गया। इन्होंने, आप लोगों को मालूम होगा कि महबूबा मुफ्ती और भाजपा मिलकर सरकार बनाई थी। वहां 4 साल सरकार चलाई, उसके बाद उन्हीं का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उन्हीं का राज्यपाल बैठा हुआ है, विराजमान है। लगातार 5 साल से वहां भाजपा का ही शासन है, लेकिन वहां की स्थिति इनकी गलत नीतियों के कारण बिगड़ती गई और आतंकवाद बढ़ता गया। तो आज इन्होंने अपनी कमियों को छिपाने के लिए एकाएक धोखे से बिना देश के लोगों को विश्वास में लिए एक नाटक रचा। आप विश्वास हमें आप आश्वासन दें कि इसे महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।